नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई की टास्क शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डीजीटी की तरफ से आ रही है चार बहुत बड़ी न्यूज, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक न्यूज बता दूं कि जो डीजी थे पहले श्री अतुल कुमार तिवारी, वो कौशल विकास के जो है तो स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट के नए सेक्रेटरी बन गए हैं। 15 तारीख को ये आदेश जारी हुआ, आप देख लीजिए, ये आदेश जारी हुआ। जो पहले राकेश अग्रवाल जी थे उनकी जगह पे पुराने जो डीजी थे वो अतुल कुमार तिवारी जी नए सेक्रेटरी बन गए हैं, जो स्टूडेंट के लिए और आईटीआई के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये पहले देख लीजिए कि दीक्षांत समारोह में क्या बोले थे नए सेक्रेटरी श्री अतुल कुमार तिवारी जी, पहले सुन लीजिए। आप सभी को सादर नमस्कार। इस कौशल दीक्षांत समारोह पर सर्वप्रथम इस कार्यक्रम से जुड़ने और हमें अपने संबोधन से अभिभूत करने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता एवं शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय कौशल विकास उद्यमशीलता एवं इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री आदरणीय श्री राजीव चंद्रशेखर जी, हमारे बीच उपस्थित UGC ICT के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, NCVT के चेयरमैन डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी जी, उच्च शिक्षा सचिव श्री संजय मूर्ति जी, आदरणीय श्री रमेश सिप्पी जी, DGT श्रीमती त्रिशलजीत सेठी जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में आयोजित इस अभूतपूर्व दीक्षांत समारोह पर उपस्थित और जुड़े सभी ITI के छात्र छात्रागण, उनके शिक्षक अभिभावकगण, मेरे सहयोगी सेक्टर स्किल काउंसिल आए हुए लोग, जनसंख्यान संस्थान PMKK से जुड़े सारे लोग, बहनों और भाइयों, मैं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ITI तथा अन्य कौशल उद्यमशीलता संस्थान आत्मनिर्भर भारत को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं और इनसे उत्तीर्ण छात्रों को समाज में यथोचित सम्मान और गरिमा मिले, ये सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का विजन है, जिससे हम आज दीक्षांत समारोह के माध्यम से उनके अमूल्य प्रतिभा को रेखांकित करते हैं, ताकि अधिक संख्या में देश के युवा कौशल विकास से जुड़ें और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दें। माननीय मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में और आज़ादी के अमृत महोत्सव पर ये विशेष प्रयास संभवतः पहली बार देशव्यापी स्तर पर 14,668 ITIs, JSS, PMKKs, एंटरप्रेन्योरशिप संस्थाएं इत्यादि इस दीक्षांत समारोह में भाग ले रही हैं। आज ITI में लगभग 8.9 लाख छात्रों को सर्टिफिकेट एक समारोह में प्रदान किया जाएगा, जो अपने में एक नई समाज में उनकी एक नई पहचान बनेगी। मान्यवर, आपके नेतृत्व में मंत्रालय ने पहली बार 7 सितंबर को ऑल इंडिया टेस्ट के परिणाम का घोषित किया। लगभग 88% छात्र उत्तीर्ण हुए और सभी को परिणाम उपलब्ध करा दिया गया। इससे आने वाले बैच में छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि हमने ITI के एडमिशन और अकेडमी इंस्टीट्यूशन की जो कैलेंडर है उसको कोइंसाइड करने की कोशिश की है। और इससे यह भी फायदा ये होगा मान्यवर कि हमारा जो ITI का पाठ्यक्रम है वो समय पर पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही साथ CTS कार्यक्रम पाठ्यक्रम को समीचीन और समकालीन बनाने के लिए NCVT के मार्गदर्शन पर हमने इनकी क्रेडिट व्यवस्था से उन्हें जोड़ा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को अनिवार्य किया है, ऑप्शनल सब्जेक्ट हम लेके आए हैं, भारतीय भाषाओं में सिलेबस तैयार करने पर हम प्रयासरत हैं, परीक्षा व्यवस्था में IT सिस्टम में हमने काफ़ी सुधार किए हैं और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में NIOS IGNOU से उनको एकेडमिक इक्विवेलेंस देने के बारे में, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग देने के बारे में भी हम प्रयास कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों से ITI व्यवस्था और स्किलिंग की जो व्यवस्था है उसमें दूरगामी और गुणात्मक सुधार होंगे और दीक्षांत समारोह जब एक परंपरा बन जाएगी पूरी व्यवस्था में, तब हमारे स्किलिंग सिस्टम में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे
माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन कौशल भारत कुशल भारत को साकार करने में हमें सहायता मिलेगी। इस दिशा में माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, हम आपके सुदृढ़ नेतृत्व में और आपके कुशल मार्गदर्शन में हम सारा काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये मैं इस सभा में आपको आश्वासन दिलाना चाहूँगा। और इस सभा में आप सभी को पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन देते हुए मैं अपना स्वागत भाषण बंद करता हूँ। धन्यवाद। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज के दिखाने के पहले मैं आपको बता दूं कि कौशल विकास के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने भाषण में क्या कहा है सर्टिफिकेट को लेकर के, मार्कशीट को लेकर के, वो सुन लेते हैं, फिर चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और अब हम आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता व शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करेंगे। कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करने की कृपा करें। को एक कन्वोकेशन की रूप दिया जाए, दीक्षांत का रूप दिया जाए, मेरे लिए बहुत ही आनंद की मुहूर्त है। प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन के अवसर पे हम उन्हीं की एक विजन स्किल कन्वोकेशन पहली बार देश में आयोजित कर रहे हैं। लाखों विद्यार्थी उसमें से जुड़े हैं और आने वाले दिनों में मैं नहीं जानता हूं आज उन विद्यार्थियों की सर्टिफिकेट को आपने कैसे दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो आने वाले सप्ताह भर में ब्लॉकचेन को यूज करते हुए आपने आने वाले 10-15 दिन में सभी विद्यार्थियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्किल की सर्टिफिकेट जो जो पढ़ाई करके उत्तीर्ण हुए आप सबको देंगे, ये मेरा आप सभी से अपेक्षा है। चलिए, जैसे ही भारत सरकार ने श्री अतुल कुमार तिवारी जी को कौशल विकास का सेक्रेटरी बनाया, वैसे ही श्री अतुल कुमार तिवारी जी ने ताबड़तोड़ फैसला लेना चालू कर दिया है। सबसे पहले उनको जो है तो विप्रो को बुला करके एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम में जो लड़के सप्लीमेंट्री आए हैं उनके डेटा को एनालिसिस करने के लिए 10 दिन का टाइम दिया है। बिल्कुल बहुत सख्ती के साथ आदेश दिया है कि 10 दिन के अंदर इनको डेटा को एनालिसिस किया जाए कि कितने लड़के एनुअल वाले हैं और कितने लड़के सेमेस्टर सिस्टम वाले हैं। इसको तुरंत इस डेटा को एनालिसिस करके उनको रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह डेटा स्टेट से भी विप्रो मंगवाएगा, आईटीआई से नहीं मंगवाएगा, स्टेट से मंगवाएगा और जो उसके पास है वो रिपोर्ट सौंपेगा। पहली खबर, बड़ी खबर। और ये डीजी साहब जो है ना, पहले डीजी साहब थे ये श्री अतुल कुमार तिवारी जी ने बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। ईडी में ग्रेस मार्स, कोरोना के चक्कर में बेनिफिट, ठीक है, जो कि मैं आपको बता दूं ये ऐतिहासिक है। नेशनल अप्रेंटिस सिप में लिखा हुआ है कि किसी भी लड़के का अगर एग्जाम नहीं होता है उनको कभी भी बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इस नियम को धाता पहनाया। धाता मतलब उन्होंने इस पे सुधार किया और पहली बार कोरोना के महामारी का बेनिफिट लड़कों को दिया है। ये बहुत बड़ा जो उन्होंने काम किया था उसका ही उनको परिणाम मिला है कि उनको कौशल विभाग का सेक्रेटरी बनवाया गया है। उन्होंने एक चीज कहने में बिल्कुल बेहिचक के साथ कहूंगा कि पूरे सिस्टम को चेंज किया है। सबसे पहले पुराने उन अधिकारियों को चेंज किए हैं, विप्रो की टीम को चेंज किया है उन्होंने और वो नई टीम ले आए हैं और नई टीम के साथ में काम कर रहे हैं। हालांकि इस पे काम करने में, इस टास्क पे उनको बहुत कठिनाई आई है, लेकिन जो अभी भी एग्जाम हुआ है बहुत सफलतापूर्वक एग्जाम हुआ है और रिजल्ट उन्होंने निकाला है, तुरंत निकाला है। भले चाहे तो कई जगह के एग्जाम जो है तो कैंसिल हुए सर्वर के चक्कर में, पानी बरसने के चक्कर में, नकल के चक्कर में, लेकिन सही टाइम पे उन्होंने 7 तारीख को रिजल्ट निकाला और यही सोच उन्होंने अब सप्लीमेंट्री एग्जाम में रख रहे हैं। चलिए दूसरी तरह चल रहे हैं। 2014 से 18 वाले स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम के पद्धति से उनका एग्जाम करवाना है,
ये सबसे बड़ा टास्क है। उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एग्जाम करवाना है। अब देखना है यहां पे कि क्या ईडी के पेपर को ऑनलाइन करवाएंगे या नहीं, ये भी आ जाएगी कुछ दिन में, जल्दी ही आ जाएगा। आप बैठिए, आप वेट करिए, क्योंकि पिछली बार 4.5 लाख छात्रों को 4.5 लाख छात्रों को एग्जाम के लिए 3,000 रुपए डीजीटी ने पर लड़का एग्जाम लेने वाले एजेंसी को पेड किया है, जबकि स्टूडेंट से 75 रुपए ही लिया गया था। तो आप लगा लीजिए कि लगभग 4.5 लाख इंटू 3,000, ये सारा पैसा डीजीटी ने अपने खाते से दिया है, चूंकि लड़कों की भविष्य की बात है। और अब जो है तो उसको सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम के पद्धति से एग्जाम करवाएगा, और उनका पूरा टास्क है कि जैसे पिछला एग्जाम हुआ है, जो अभी हुआ है अगस्त में, वैसे ही एग्जाम सप्लीमेंट्री का एग्जाम करवाया जाए। उसके लिए उन्होंने विप्रो को, अपने अधिकारियों को, सबको सख्त लहजे पे निर्देश दिया है कि जो पुरानी पेंडेंसी रिजल्ट है, उस रिजल्ट को सबसे पहले अपडेट किया जाए, चाहे वो सीबीटी डाटा नॉट अपलोड हो, 00 हो, -1 हो, ईडी प्रैक्टिकल का हो, उन सारे रिजल्टों का एनालिसिस करने डीजीटी आज ही 3 बजे से बैठ गई है, और बहुत जल्दी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी जो है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने किस फैसले में जो लिए हैं, वो फैसले का कितना जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ रहा है। तो सारे स्टूडेंट को कह रहा हूं कि इस पे आप बिल्कुल भी सारी चीजें छोड़ दीजिए, सिर्फ आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये आपका करो या मरो में है, ये आपका जो एग्जाम है इस बार आपको निकालना निकालना है। नकल के भरोसे पास होने की गारंटी पे ना रहना, सख्त लहजे पे बोला गया है कि इस बार जहां जहां नकल हो रही है वहां का रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, और अगर नकल करते लड़के पकड़े गए तो मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। बहुत सख्त हैं, क्योंकि कुछ लड़कों के चक्कर में रिजल्ट देरी से हो रहा है, एग्जाम देरी से हो रहा है। तो उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, सराहनीय है, और इसके लिए मैं श्री अतुल कुमार तिवारी जी को, विशेष रूप से उनके टीम को मैं धन्यवाद बोलूंगा, विद्यानंद जी को, जयप्रकाशन जी को, गुप्ता जी को, और जो पूरी टीम है उनकी, सारे टीम को मैं दूंगा कि अभी ये दीक्षांत समारोह, मैंने बोला था कि दीक्षांत समारोह जैसे खत्म होगा वैसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक करेगी डीजीटी, बहुत जल्दी जैसे ही विप्रो दे देगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि ये विप्रो के लिए ना आसान नहीं है आपका डेटा उठाना, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि 30 जुलाई तक में जो डेटा मंगवाया गया था, बहुत सारे आईटीआई ने डेटा नहीं दिया है, तो अब आईटीआई से वो नहीं मंगवाने वाले हैं, वो जो विप्रो के पास है और स्टेट के पास है डेटा, उस डेटा को मिलवाएंगे। कल से चालू हो जाएगा ये काम, कल से डेटा का काम चालू हो जाएगा, और उन्होंने बिल्कुल टाइम दे दिया है कि आप 10 दिन के अंदर ये सारी चीजें रिपोर्ट हमारे पास भेजिए, ठीक है, वैसे ही नोटिफिकेशन निकल जाएगा। और मेरे भाई आपको मैं बोल रहा हूं कि अक्टूबर के लास्ट लास्ट में आपका और नवंबर तक में, 30 नवंबर तक में पूरा रिजल्ट सहित सब कुछ निकल आएगा। मेरे बहुत बड़े अधिकारी से सूत्रों के द्वारा पता चला है कि आज जो है तो बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, और ग्रीवांसेस वाला जो मामला है आपको मैं दिखाता हूं, आज आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, मेल देख लीजिए, मैंने सुबह मेल किया था और डायरेक्टली मैसेज किया था सबको, देखिए सबको एक एक करके किया था, समझ गए? तो मैं लगा हुआ हूं, आपका काम है सिर्फ एग्जाम की तैयारी करना, बाकी आप कुछ ना करिए, किसी के भी बहकावे में मत आइए मेरे भाई, आप किसी यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़िए, आप सिर्फ अपने आईटीआई में जाइए और वहां आप अपना नंबर लिखवाइए,
ग्रुप बनवाइए ताकि कोई भी मैसेज आएगा, कभी भी कोई मेल आ सकता है कि ये डेटा भेजो, स्टेट मांग सकती है या ये भेजो। तो आईटीआई वाला ये ना कर दे कि ये लड़का आ ही नहीं रहा है तो आपको अब्सेंट कर दे, आपका डेटा ना भेजे, या 80% वाला अटेंडेंस वाला लफड़ा लगा दे। तो आप अपनी फीस जमा करिए मेरे भाई जो बची हुई है, और आईटीआई जाइए, वहां पे पढ़िए, वहां बताइए, वहां पढ़िए, चाहे ईडी का हो, चाहे वर्क ऑफ कैलकुलेशन का हो, चाहे प्रैक्टिकल का हो, चाहे जिसका हो, चूंकि प्रैक्टिकल में भी लड़के फेल हो रहे हैं, आप देख रहे हो, मैं दिखा रहा हूं आपको। तो मैं आपको सीधे सीधे आज का शो का जो मतलब है, तो आप अपने तैयारी में लग जाओ, जाइए आप अपने आईटीआई में और प्रिंसिपल से मिलिए, बाकी किसी से ना मिलिए, और वहां अपना लेटेस्ट जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस वहां दे करके आइए, और ईमेल एड्रेस देने के बाद ताकि आपके पास उनको बोलिए ग्रुप बना लीजिए। आप लोग एक काम करिए, जितने सप्लीमेंट्री वाले लड़के हैं ग्रुप बनाइए आप लोग, और ग्रुप बना करके उसमें प्रिंसिपल को रखिए, बोलिए सर जब भी कोई कुछ आए ताकि आप लोग वो देख सको। नहीं तो ये लास्ट मौका है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आज तक के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखिएगा, आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान रखिएगा, और आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। आपको कैसे लगा है प्रोग्राम, देखते रहिएगा, और आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।